बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में राजेश नाम का एक नवयुवक रहता था। उस बेचारे के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे काम करके वो अपने खाने के लिए आटा और चावल ले आता था। घर आकर वो अपना भोजन बनाता और खा पी कर सो जाता। उसकी जिंदगी ऐसे ही संघर्षों से गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबत उसकी जिंदगी में लगी ही हुई थी। एक दिन उसने अपने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर जब वो वापस आया तब उसने देखा सिर्फ 3 ही रोटियां बची है। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी और उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता है। और उस दिन वो लड़का उस चूहे को आखिर पकड़ ही लेता है। वो चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरे हिस्से की चपाती मुझे ले जाने दो। तो राजेश बोला, तुम्हें अगर ये रोटी ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं पहले से ही अपनी जिंदगी से परेशान हूँ और ऊपर से पेट भरकर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा, न जाने मेरी जिंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, आखिर कब मेरी जिंदगी से ये दुख और परेशानियाँ खत्म होंगे। तो इस पर चूहे ने बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। तो राजेश ने पूछा, कौन है वो। चूहे ने उत्तर दिया, वो एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। राजेश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांध कर उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी और राजेश ने वहां रुकने के लिए उनसे रात भर के लिए शरण मांगी। उस हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो राजेश बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तो वो मालकिन बोलने लगी, बहुत अच्छा, उनसे मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, वो देखने में बहुत सुंदर है, उसमें हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं, लेकिन अभी तक बेचारी ने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला है। उनसे ये पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। और ऐसा कहते कहते वो हवेली की मालकिन बहुत रोने लगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपका उत्तर लेकर जरूर आऊंगा। अगले दिन राजेश आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं और समय बीतता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। राजेश तांत्रिक के पास गया और उनसे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन के लिए जाना है और ये रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है, मैं आगे कैसे जाऊं। तो उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तो राजेश उनसे कहने लगा, अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप खुद वहां क्यों नहीं चले जाते। तो वो तांत्रिक कहने लगा कि अगर मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप मुझे अपना प्रश्न बताएं, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। तो वो तांत्रिक कहने लगा, उन ऋषि से पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से उस लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी और वो लड़का इतनी बड़ी नदी देखकर बहुत घबरा गया। तभी उसे नदी किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो। तो राजेश ने बोला, हाँ मैं उनसे आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। तो वो कछुआ कहने लगा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन मैं कब ड्रैगन बनूंगा इस प्रश्न का उत्तर तुम उनसे पूछ कर आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने उस लड़के का बहुत स्वागत किया। संध्या समय पे उस ऋषि ने राजेश को अपने दर्शन दिए और उनसे बोलने लगे, हे पुत्र, मैं तुम्हारे किसी भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, तुम अपना प्रश्न पूछो। वो बहुत सोच में पड़ गया कि वो अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का प्रश्न पूछे। वो अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्न का उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वो खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन इस समय पर उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? तो ऋषि ने जवाब दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वो बोलना शुरू कर देगी। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा, आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा? तो ऋषि उत्तर देने लगे, जब वो तांत्रिक अपने तंत्र से प्राप्त की हुई सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां किसी और को दे देगा तो उसी क्षण उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसने प्रश्न किया कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वो उसी वक्त ड्रैगन बन जाएगा। वो लड़का ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वो उन ऋषि का धन्यवाद दे करके वहां से निकल गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला, उसने उस लड़के को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब राजेश ने कछुए से कहा, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम इसी समय ड्रैगन बन जाओगे। जब उस कछुए ने ये उत्तर सुना तो वो बहुत खुश हो गया और कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वो सारे मोती राजेश को दे दिए और कुछ ही पलों में वो ड्रैगन में बदल गया। वो बहुत खुश था, उसने फौरन उस लड़के को अपने ऊपर बिठाया और सारी बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। राजेश ने तांत्रिक को ऋषि की सारी बात बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या, अपनी शक्तियां किसी और को दे देंगे तो आपको उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तांत्रिक बोला, अब मैं कहां किसे ढूंढने जाऊंगा, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते ही उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां उस लड़के को दे दी और अगले ही क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राजेश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली शक्तियों के दम पर वो क्षण भर में ही हवेली पर पहुंच गया और हवेली की मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या बताया ऋषि मतंग ने मेरी बेटी के बारे में? तो वो लड़का कहने लगा, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो अपने आप बोलने लग जाएगी। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का इसके लिए और कौन हो सकता है? उस हवेली की मालकिन ने उन दोनों की शादी करा दी और सचमुच वो लड़की बोलने लग गई। राजेश अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके रहने के लिए एक जगह भी बनवा दी। कभी अपनी जिंदगी से हार चुके राजेश के पास आज सब कुछ था, धन दौलत था, परिवार था, ताकत थी, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था और दूसरों के बारे में सोचा था। ये जिंदगी भी ऐसी ही है, कई बार जब हम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे की मदद करते हैं, किसी और का भला करते हैं, तो वो कुदरत, वो प्रकृति हमें उस भलाई का बदला 100 गुणा करके लौटाती है। हम चाहे माने या ना माने इस बात को, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उन कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, तो विश्वास रखना उस भलाई का फल, उस अच्छाई का फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा।